हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है महारस वर्ग। तो महारस वर्ग में 8 द्रव आते हैं, जिसमें अभ्रक, व्याक्रांत, माचिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल एवं रसक आते हैं। तो आज हम अभ्रक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्रक। तो सबसे पहले अभ्रक का बेसिक डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो अभ्रक को संस्कृत में अभ्रकम बोलते हैं, ठीक, अभ्रकम, इंग्लिश में माइका और हिंदी में अभ्रक। और इसका जो स्पेसिफिक डेंसिटी या विशिष्ट गुरुत्व है वो 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्रक का इतिहास। तो अभ्रक का जो सर्वप्रथम वर्णन हमको या उल्लेख मिला है वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिला है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसको वज्रभ्रक के नाम से जाना गया है, ठीक है, जिसका उपयोग, मतलब वज्रभ्रक का उपयोग कृत्रिम स्वर्ण निर्माण में किया गया है, ठीक है। सेकंड जो हमको इसका जो इतिहास या वर्णन मिला है वो मिला है गौतम नया दर्शन में भी काच अभ्रक स्फटिक का वर्णन हमको मिला है, ठीक। और अमर कोश में भी अभ्रक को गिरिजामल कहा गया है। रस शास्त्र में भी इसको गौरी तेज के नाम से जाना गया है, और रस शास्त्र में इसका उपयोग पारद को शक्ति संपन्न बनाने के लिए किया जाता है या किया गया था, ठीक है। और चिकित्सा में या चिकित्सा अर्थ में इसका सर्वप्रथम प्रयोग अष्टांग हृदय में काशी सादी तेल के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्रक के अभ्रक का प्राप्ति स्थान या अभ्रक के सोर्सेस। तो अभ्रक जो है वो राजस्थान के अजमेर एवं भीलवाड़ा जिलों में पाया जाता है, तमिलनाडु के नेलोर एवं सालम जिलों में पाया जाता है, पंजाब के नूरपुर जिले में पाया जाता है अभ्रक, और उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में पाया जाता है, और फिर झारखंड या बिहार के हजारीबाग एवं गिरिडीह जिलों में अभ्रक मिलता है, ठीक है। तो गिरिडीह जिले की कोडरमा की अभ्रक खान विश्व प्रसिद्ध है। कोडरमा खान में मस्को वाइट एवं बायोटाइट जाति के अभ्रक श्वेत एवं कृष्ण दोनों स्वरूप के अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। भारत के अलावा अभ्रक रसिया, अमेरिका और कनाडा आदि देशों में भी मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अभ्रक का स्वरूप। तो अभ्रक जो है वो टेढ़े मेढ़े विभिन्न आकार के बड़े बड़े ढेलों के रूप में खान से मिट्टी पत्थर मिश्रित प्राप्त होता है, यह अभ्रक का स्वरूप हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं अभ्रक के पर्याय, ठीक, अभ्रक के पर्याय। तो अभ्रक का जो पर्याय आया है वो मेनली आकाश से रिलेटेड है, ठीक है। तो पर्याय के लिए जो श्लोक दिया गया है वो है कि अभ्रकम गगनम भृंगम अभ्रम खम व्योम नामकम, अभ्रकम गगनम भृंगम अभ्रम खम व्योम नामकम वज्रम घना चा गिरिजम बहुपत्रम अनंतकम, ठीक। तो इसको आपको ध्यान में रखना है तो आपको पर्याय ईजिली याद हो जाएंगे। तो इसका जो पर्याय मेनली हमको याद रखना है वो है गौरी तेज, वज्र, तीसरा आकाश,
चौथा गगन, पांचवा व्योम, छठवां बहुपत्र। ठीक है, तो ये आपको छः मेनली याद रखने हैं, बाकी इसके और भी पर्याय हैं जैसे घन, गिरिज, आकाश, अंबर, अमल, गर्द्वज, मेघ आदि। ठीक, तो आपको आपको ये छः मेनली याद रखने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अभ्रक का आधुनिक दृष्टि से वर्णन। ठीक है, तो आधुनिक दृष्टि से अभ्रक को डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम या सोडियम कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक दृष्टि से अभ्रक को डबल सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम और सोडियम कहा जाता है। आधुनिक दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा गया है, इसमें पहला है एल्कली माइका, एल्कली माइका। ठीक है, एल्कली माइका को क्षारीय अभ्रक भी कहा जाता है, क्योंकि एल्कली माइका को क्षारीय अभ्रक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्षार स्वभावी तत्व सोडियम एवं पोटेशियम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो कलर है वो सफ़ेद और हल्के रंग का होता है, तो इसको क्षारीय अभ्रक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है या हल्के रंग का होता है। और दूसरा हमारा जो भेद है वो है फेरो मैग्नीशियम माइका, इसमें मुख्य तत्व लोह एवं मैग्नीशियम पाया जाता है। लोह मतलब आयरन और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस लोह एवं मैग्नीशियम के कारण इसका जो कलर होता है वो लाल या काला होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रासायनिक दृष्टि से अभ्रक के भेद। तो रासायनिक दृष्टि से अभ्रक के पांच मुख्य भेद होते हैं, जिसमें पहला है हमारा मस्कोवाइट, जिसको हम श्वेत अभ्रक भी बोलते हैं, पैरागोनाइट, इसको भी हम श्वेत अभ्रक बोलते हैं, ये दोनों एक ही मान सकते हैं हम। तीसरा है हमारा फेलोगोपाइट, जिसको हम रक्त अभ्रक बोलते हैं। चौथा है हमारा लेपाइडोलाइट, जिसको हम पीत अभ्रक बोलते हैं। और पाँचवा है हमारा बायोटाइट, जिसको हम कृष्ण अभ्रक बोलते हैं। और यही सब ज़्यादा हमको हमारा इंपॉर्टेंट, बायोटाइट या कृष्ण अभ्रक। तो पहला हो गया मस्कोवाइट श्वेत अभ्रक, दूसरा पैरागोनाइट श्वेत अभ्रक, फेलोगोपाइट रक्त अभ्रक, लेपाइडोलाइट पीत अभ्रक और बायोटाइट कृष्ण अभ्रक। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये देख लेते हैं इंग्लिश में इसको। तो इंग्लिश में जो है कि पहला श्वेत और वाइट विथ मस्कोवाइट, रक्त रेड और रोज रेड विथ लेपाइडोलाइट, पीत और येलो विथ फेलोगोपाइट एंड कृष्ण ब्लैक विथ बायोटाइट। तो यहाँ पे पैरागोनाइट का वर्णन नहीं दिया है मॉडर्न में, तो ये सिर्फ हमें रसशास्त्र की बुक में दिया गया है, तो इसको हम एक ही मान सकते हैं मस्कोवाइट और पैरागोनाइट को। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रासायनिक दृष्टि तक अभ्रक का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ अभ्रक। ठीक है, तो इसके पहले के टॉपिक में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे पर्याय में, इतिहास में, या प्राप्ति स्थान स्वरूप या आधुनिक दृष्टि से वर्णन में, तो आप हमें कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके आप इस ग्रुप को और इस चैनल को शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को ये अभ्रक का और महारस का टॉपिक मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।